डॉक्टर हरिमोहन जी, सनातन पर कभी सवाल उठाए जाते हैं, कभी राम भक्तों पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी मंदिरों में पूजा अर्चना करने से रोकी जाती है। एक तरफ राम राज्य की परिकल्पना आप और हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ सियासत का एक ये चेहरा। रामो विग्रहवान धर्मः, राम तो साक्षात विग्रह धर्म स्वरूप है और धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान राम ने अवतार लिया। और जो लोग राम के मंदिर में आने से पाबंदियां लगा रहे हैं, आप सबको मैं एक बात बता देना चाहता हूं इंडिया टीवी के माध्यम से। आज नहीं, त्रेता युग में भी राक्षस हुए थे जो भगवान राम के मंदिर में जाने से और मंदिर में जाने से भक्तों को रोक रहे हैं। उनकी एक ही नाम, एक ही उपमा और एक ही संज्ञा होनी चाहिए, राक्षस, असुर। वो असुर हैं, राक्षस हैं, जो राम के भक्तों को राम के मंदिर में जाने से रोकते हैं और राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। और वो अवतार इस अयोध्या में प्रारंभ हो गया है। जितने कार्व सेवक शहीद हुए थे भगवान राम के लिए, वो आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और उनकी आत्माएं आज आनंदित हो रही हैं कि मेरे राम का वो भव्य राम मंदिर बन रहा है। आज आनंदित है, भारतवर्ष की भूमि नहीं, मैं कहता हूं विश्व की भूमि नहीं, आज देवता भी आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, आज स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। साक्षात भगवान राम का वो अद्भुत दर्शन, 500 वर्षों का वो प्रतीक्षा का रथ अवरुद्ध होकर के भगवान राम के राज्य को प्राप्त हो रहा है। और जो राम मंदिर के इस प्रकल्प को लेकर चले थे, उनको साक्षात भगवान रामलला का दर्शन प्राप्त हो रहा है। और इसमें जो विघ्न डाल रहे हैं वो असुर, दैत्य और राक्षस हो सकते हैं, और राक्षसों को कोई उपमा नहीं दी जाती। राक्षसों का विनाश करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं, और ऐसा अवतार होगा कि कोई इनका नाम लेने वाला नहीं होगा। पूरे विश्व में भारतीयता होगी, सनातनता होगी और भारत विश्व गुरु रहेगा, जय श्री राम के नारे से। और ये उद्घोष है, अभी अयोध्या में आप आए हो, बहुत शीघ्र ही आपको मथुरा में भी ऐसा ही दृश्य दिखाई देगा, जहां मेरे कृष्ण राम, राम कृष्ण दो एक हैं, भेद न जानो को, क्योंकि राम बलराम के साथ में राम लगा हुआ है। भगवान कृष्ण तो राम को त्रेता युग में भी लेकर आए और द्वापर में भी वही लक्ष्मण बलराम बन करके बड़े होकर आए। तो ऐसे राम की नगरी से मैं कहता हूँ जो राम के दर्शन करने से रोकता है, निश्चित और बहुत शीघ्र आपके चैनल पर उन सबको प्रायश्चित करने के लिए आंसू भी प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे राम की नगरी में जय श्री राम और जय श्री राम। अच्छा कौन